हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वाला हूँ एक AI फाइल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और आपको ढेर सारा कमा के दे सकती है। ये एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, एकदम लेटेस्ट टॉपिक है जिसकी आपको अभी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है और जिसका अभी एकदम से फेस्टिवल आने वाला है। ठीक है, तो उसका नाम है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इसका मैं आपको AI फाइल देना चाहता हूँ जिसके जरिए आप एक अपना ऐप बना सकते हो और उस ऐप को प्ले स्टोर में अपलोड करके ढेर सारा कमा सकते हैं। तो आइए, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो जान लेते हैं क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद आप ये AI फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद 1% भी अच्छा लगता है और आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये AP बिल्डर का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट मुझे भी कहीं से रिसीव हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कुछ थोड़े से माइनर से चेंजेस करने हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद अपने AI फाइल लेके आप अपने इसको इम्पोर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसका APK बना के आप प्ले स्टोर में अपने अकाउंट में इसको कंसोल अकाउंट में इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंज कर लीजिए जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है यहाँ पर आइकन। तो आइकन इसमें आप अपना जो भी बना के लगाएं वो अपना खुद का बना के लगाएं, जिसमें आप एक वेबसाइट है फोटर FOTR, उसमें जाके आप इसका आइकन क्रिएट कर सकते हैं PNG या JPG फॉर्मेट में। वहाँ से आप इसका आइकन लेके इसका चेंज कर दीजिए, अपना खुद का बना के इसमें अपलोड कर लीजिए, जिससे आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना हो। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, आपको यहाँ पे जो वर्जन कोड है ये आपको जब भी जैसे अपडेट वगैरह करने हैं एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे ये चेंज कर दीजिएगा, जिससे आपको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज आप बिना वर्जन कोड चेंज हुए अगर आप इसको अपलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे, तो ये आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा प्ले स्टोर आपका अकाउंट। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आप वर्जन कोड जैसे कि 2 डाला हुआ है, आप इसका 2.2, 2.1 या फिर 2345 ऐसे कर सकते हैं, अपना चेंज करते रहिएगा। उसके अलावा वर्जन नेम चेंज जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, सारा का सारा स्मूथली हो जाए। अदरवाइज आप अपलोड करेंगे APK फाइल और वो आपके एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा से सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। इसलिए आप वर्जन कोड भी इसका नेम चेंज कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने कर रखा है 1.1, वैसे ये 1.0 था तो मैंने 1.1 कर दिया। उसका 1.3 या फिर 2.1 इस तरह से मैं उसका वर्जन नेम चेंज कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें हो गई। उसके अलावा इसका जो और मैं आपको इसमें स्क्रीन है और ढेर सारी, उनमें ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए, काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में आप इसको कुछ अच्छी तरीके से अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो ही चेंज कर दीजिएगा, जिस अदरवाइज इसकी कोडिंग जिससे कि ख़राब ना हो। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करना चाहते हैं, इससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए बेसिक यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। अब आप मैं इसमें दिखा देता हूँ कि क्या आपको चेंज करना है। इसमें ढेर सारी ऐसी स्क्रीन है और हर एक स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमोब और इंटरसेल अकाउंट, इसके बैनर ऐड और इंटरसेल ऐड लगे हुए हैं, जिसकी सबकी आपको ऐड यूनिट चेंज करनी है, तभी इसकी जो अर्निंग होगी वो आपकी होगी, अदरवाइज ये मेरी अर्निंग आ जाएगी या फिर जिसकी भी आपने कोड डले हुए हैं उसकी अर्निंग ये पहुंच जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे ये रहा आपका एडमोब अकाउंट, आपको उसमें जाना है। उसके अलावा आप अपने ऐप में क्लिक करना है, ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड ऐप पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूनिट क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड यूनिट क्रिएट कर सकते, पहली बार आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके कैसे एडमोब अकाउंट की यूनिट को कैसे लगाते हैं वो आप मेरे पुराने वीडियोस पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चैनल का नाम है टैकी पॉइंट, जिस पे आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक स्क्रीन में जाके जो बैनर अकाउंट बैनर ऐड यूनिट है वो सारी सब में हर एक स्क्रीन में एडमोब बैनर में सेम रखनी है, जैसे सारी जो भी स्क्रीन है इन सभी में एडमोब बैनर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जाके और इनकी ऐड यूनिट यहाँ पे जाके आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और एक खास बात ध्यान में रखना, जब आप ऐड यूनिट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो तो जो पहला इसका लेटर है ये यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, पहले में स्पेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ऐड नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, जो भी ये स्क्रीन इन सब में आपको दूसरी भी दिख रहा होगा कि ऐड मूव इंटरेस्टल अकाउंट ये यूनिट है, इसमें आपको सभी को ऐड यूनिट जो है वो ऐड यूनिट वो इंडस्ट्रियल वाली लगानी है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करनी है आपको सिंपली यहाँ से लेने के बाद। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये रहा मेरा IPL वाला ऐड यूनिट, मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए मेरी ऐड यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे, फिलहाल मैं इसके ऐड यूनिट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये रही मेरी इंडस्ट्रियल ऐड, यहाँ से मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे ये रही मेरी इंडस्ट्रियल ऐड वाली यूनिट, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ये पूरा डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट ऐड यूनिट को। ठीक है, कॉपी प्लस के पेस्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, आई थिंक अभी कॉपी नहीं हुई ढंग से, तो ये मैंने कॉपी किया, ये होगी ID कॉपी, और यहाँ पे लाके मैंने ये कर दी पेस्ट। बस आपको इतना ही करना है, अपनी खुद के अकाउंट से ऐड यूनिट यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देनी है, बस आपको इतना ही करना है, सारी ऐड इंटरसेल और ऐड बैनर अकाउंट ऐड कर देनी है। उसके बाद आप इस प्रोफाइल इस ऐप को इसके प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड करके सेव APK अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, आप इसका QR कोड जनरेट करके इसको APK जनरेट कर लीजिए और इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से AI फाइल लीजिए और इससे अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी
बहुत ज़्यादा इसका एकदम फीवर चढ़ने वाला IPL का सभी का। तो आप एक बार अगर प्ले स्टोर में आपका ये ऐप पहुँच गया उसके बाद आपको ढेर सारी अर्निंग इसको आसानी से रिसीव हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो फाइनली हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आपके दिल में कोई बात है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।